देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने और जनपद शाहजहांपुर के मुमुक्षु शिक्षा संकुल मुमुक्षु आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता व पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर 25 फरवरी से श्री राम कथा व अमृत महोत्सव का आयोजन 3 मार्च तक किया जाएगा। महोत्सव में प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना, 8 बजे से 11 बजे तक रुद्र महायज्ञ तथा कॉलेज के सभागार में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों की उपस्थिति में सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 25 फरवरी से सबसे पहले हमारे आश्रम के लोग कलश लेकर चलेंगे। उसी दिन एक यज्ञशाला में काशी के विद्वान पंडितों के द्वारा 1.25 लाख आहुतियां पड़ी जाएंगी। उसके बाद रुद्राक्ष होगा और बाद में सभागार में विभिन्न विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा और गोष्ठियों का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के विद्वान हिस्सा लेंगे, जिसमें कुलपति और वरिष्ठ प्रोफेसर शामिल होंगे। 2 घंटे तक कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 1 बजे कथा का शुभारंभ जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा किया जाएगा। प्रतिदिन हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। कथा का आयोजन 1 से 4 बजे तक किया जाएगा, जिसमें देश के जाने माने संत शामिल होंगे और 3 मार्च को रात्रि 8 बजे से एक विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर शामिल होंगी। मेरे गुरु जी का निर्वाण दिवस है, स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी महाराज का निर्वाण दिवस है। उस दिन से ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले हमारे शंकर मोक्ष विद्यापीठ से 75 बहनें कलश लेकर चलेंगी और एक विशाला में प्रणाम करते हुए वो सभा मंडप तक पहुंचेंगे। उसी दिन एक विशाला